अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आज हम शुरू करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जनाब अली, ग्राफ क्या है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रेफस। ग्रेफस का मतलब होता है लकीरें खींचना, तो ग्राफ में भी हम लकीरें खींचते हैं। ये कंप्यूटर वाला ये नाम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जी। ग्राफिक्स वाली एप्लीकेशन है, ग्राफिक्स वाला कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब फोटो बनाने वाला, फोटो एडिटिंग करने वाला, वो जो फोटो बनाना, फोटो लेना है, वो भी असल में लकीरें खींचने वाला ही इल्म है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लकीर खींची जाएगी किस किस के दरमियान? जनाब मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ग्राफ रिलेशनशिप को जाहिर करता है। वो लकीर, वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन होगी। हम टू डायमेंशन में ग्राफ बनाएंगे, यानी प्लेन में बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जाहर होता है जनाब के एक वेरिएबल वेलोसिटी है और दूसरा वेरिएबल कौन सा है जनाब? टाइम। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन बताने वाली लाइन होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जनाब ये किस किस किस्म के होंगे और ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन बताएंगे? रिलेशन क्या हो सकता है, कैसा रिलेशन हो सकता है दो चीजों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान? एक तो बेटा जी रिलेशन वो होता है कि कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ शादियों में ना वो फलाना रिश्तेदार आएगा तो मैं आऊंगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और कई रिलेशन ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि जे फलाना आया तो मेरी आँदी है जुत्ती। ये इनवर्स रिलेशन है कि जे वो आया तो मैं नहीं आऊंगा, तो जे मैं आना तो उन्होंने नहीं सदना। ये इनवर्स रिलेशन है। कई दफा स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, कई दफा स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो कई तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो जनाब हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ताल्लुक देखेंगे कि इनके दरमियान डायरेक्ट ताल्लुक है या इनवर्स ताल्लुक है, यानी वक्त के साथ साथ वेलोसिटी सेम रहती है, चेंज होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होता है। अब ये सारा मामला तो डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन शुरू कैसे करें? ग्राफ बनाते हुए हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, प्लेन है, टू डायमेंशन है, तो एक एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, दूसरा एक्सिस होगा वाई एक्सिस। अब एक एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को और दूसरा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से हम एक तरफ ले लेंगे वेलोसिटी और दूसरी तरफ लेंगे टाइम। सवाल ये पैदा होता है कि टाइम एक्सिस कौन सा रखा जाए? क्या एक्स एक्सिस की तरफ को टाइम रखा जाए या वाई एक्सिस की तरफ को टाइम रखा जाए? ये अब आप पे डिपेंड करता है। टेक्निकली कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप एक्स एक्सिस की सीमत में टाइम रखते हैं या वाई एक्सिस की सीमत में टाइम रखते हैं या वेलोसिटी की तरफ को रखते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलत भी थोड़ी सी मद्देनजर रखते हैं। पहली बात तो ये है जनाब कि हम एक काम ये करते हैं कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन डिस्कस करना हो तो हम ये तय कर लेते हैं कि हम एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से वेरी करेंगे और दूसरे वेरिएबल को उसके नतीजे में छोड़ देंगे कि वो क्या होता है और क्या नहीं होता। जब पुराने जमाने में तांगे होते थे, अब रिक्शे वाले होते हैं ना, जब सवारी बस से या ट्रेन से उतरती है, कुली होते हैं, रिक्शे वाले टांगे वाले सवारियां घेरते हैं कि आ जाओ पाजी, आ जाओ बाजी, चले चले चले। वो सवारी को नहीं पकड़ते, सवारी का सामान पकड़ लेते हैं। सामान पकड़ना ज्यादा आसान है, सवारी पहले बेचारी औखी होती है सामान उठाने से। तो वो सामान पकड़ के जब निकलते हैं, सवारी आप ही मगरे मगरे आ जाती है। तो वो सामान के पीछे जाना सवारी की मजबूरी है, वो सवारी डिपेंडेंट है अपने सामान पे। ऐसे ही हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, हम इनमें से एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक होता है तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जिसको हम अपनी मर्जी से वेरी करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि वो हम अपनी मर्जी से तय कर लेते हैं कि इसको कैसे चेंज करना है, और जो उसकी वजह से चेंज होगा वो मजबूर है चेंज होने पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है।
जैसे सवारी के पीछे, सवारी सामान के पीछे पीछे जा रही है, तो जिधर को सामान जाएगा सवारी की मजबूरी है, सामान का रुख बदलेंगे, पीछे आने वाला भी अपना रुख बदल लेगा, वो जो पीछे आने वाला है वो डिपेंडेंट है, और जो माइक है तो जो आगे जाने वाला है वो जिसकी जिसको हम अपनी मर्जी से जिसकी सिमत चेंज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वेलोसिटी और टाइम में से हम एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से वेरी करेंगे। लेकिन जब हम डेफिनेशन करते हैं ना कि इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, तो वो जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, टाइम इंटरवल क्या इक्वल लेना है, अनइक्वल लेना है, कितना, हर 5 सेकंड के बाद देखना है, हर 10 सेकंड के बाद देखना है, हर 20 सेकंड के बाद देखना है, ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारी मर्जी है कि हम उसे कैसे चेंज करते हैं या हम उसे कैसे चेंज करना चाहते हैं। तो जनाबे आली, अब करना गया है वेलोसिटी और टाइम में से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम लेंगे एक्स एक्स पे, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्स पे लेंगे। क्यों? कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है, बस हम अपनी सहूलत के लिए काम करेंगे। हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्स पे लिया जाएगा और हम टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। हम टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करते हैं और वेलोसिटी डिपेंडेंट होगी। हमने वेलोसिटी को क्यों नहीं लिया इंडिपेंडेंट, मतलब वेलोसिटी अपनी मर्जी से क्यों नहीं चेंज की, टाइम को ही क्यों अपनी मर्जी से रखा कि हर 5 सेकंड के बाद देखें, हर 10 सेकंड के बाद देखें, हर 2 मिनट के बाद देखें। उसकी एक बड़ी सिंपल वजह है, देखिए वेरिएबल का मतलब है तब्दील होने वाला, टाइम भी तब्दील हो रहा है, वेलोसिटी भी तब्दील हो रही है। वेलोसिटी तब्दील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, टाइम लाजमी तब्दील होगा, वक्त लाजमी गुजरेगा। कहते हैं कि अच्छा हो या बुरा, वक्त गुजर ही जाता है, वो लाजमी गुजरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। वक्त टाइम हमेशा ज्यादा ही होगा, टाइम कभी रुकेगा नहीं, टाइम कभी रिवर्स नहीं चलेगा, मतलब टाइम कभी डिक्रीज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंज आएगी। तो एक्स एक्स वाली वैल्यू में हमेशा इजाफा होगा, इसमें एक ही तरह की चेंज पॉसिबल है, ये हमें आसानी हो गई। तो एक ही तरह की चेंज पॉसिबल है, उसको अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं, तो मतलब उसको अपनी मर्जी से आप इंटरवल डिवाइड कर सकते हैं, और जो वेलोसिटी है वो हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज आए, मतलब ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है कॉन्स्टेंट रहे। तो जनाब यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे और वेलोसिटी को लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे, तो जनाब आली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्स पे, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्स पे आ गया। तो अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, मैं सैंपल के तौर पे ग्राफ बनाता हूँ, फिर देखते हैं जनाब आली के ग्राफ्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। चले जी, पहला ग्राफ सैंपल के तौर पे आपको दिया जा रहा है, ये जनाब आली ग्राफ पहला ये बन गया। कई तरह के होंगे, हम कम से कम 3 तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। दूसरी तरह का मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, फिर तीसरी तरह का इनको डिस्कस करके बाद में बनाएंगे। एक्स एक्स पे बेटा जी आ गया टाइम, और वाई एक्स पे जनाब आ गया, आ गई वेलोसिटी, और ये बन गया जनाब ग्राफ ए ऐसे। पहली बात तो बेटा जी ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के। जनाब ग्राफ्स कई देखने में, ये 2 तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपके सामने है, एक और तरह का भी बनाएंगे भी बाद में, इसके अलावा किसी और तरह का भी हो सकता है। दीज ग्राफ्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद टाइम, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ये ग्राफ हमें। ओके जी, तो अब पहला एडवांटेज तो ये हो गया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा आगे वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में क्या हो रहा है। ग्राफ बना लिया, हमें बना बनाया मिला करेगा, तो ग्राफ को हम पढ़ें। अब हमें ग्राफ को पढ़ना है, पढ़ेंगे कैसे ग्राफ को, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे कैसे इंफॉर्मेशन। लो जनाब आप देखें, ग्राफ वाली जो लाइन जो यहां मैंने रेड लाइन से बनाई है, ग्राफ वाली लाइन किधर को जा रही है, बस लेनो लैनी तुरे चलो,
आप देखें जनाब, पहले तो क्या है जनाब, ग्राफ वाली लाइन शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है। तो यहां से शुरू होने का मतलब ये है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर को टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो ओरिजिन से राइटवर्ड को जाएंगे टाइम में इजाफा होगा, ऊपर को जाएंगे वेलोसिटी में इजाफा होगा, नीचे को जाएंगे वेलोसिटी में कमी आएगी, लेफ्टवर्ड जाएंगे टाइम में कमी आएगी। ये ग्राफ कभी भी लेफ्टवर्ड नहीं जाएगा क्योंकि टाइम में कभी कमी नहीं आएगी। ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्स की तरफ प्रोसीड करेगा, इधर को आते हुए कभी रुकेगा नहीं क्योंकि टाइम भी कभी नहीं रुकेगा। तो जनाब ग्राफ शुरू होता है, देखिए ओरिजिन से शुरू ही हो रहा, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा। ये बात अब सेकंड चैप्टर के बाद हमें पता चल चुकी है कि वाई एक्स पर एक्स एक्स की वैल्यू जीरो होती है और एक्स एक्स पर वाई एक्स की वैल्यू जीरो होती है। जिधर को आप चलेंगे तो वैल्यू बनेगी ना। आप देखिए अब लाइन शुरू हो रही है, यहां से इस लाइन तक पहुंचने के लिए आप किधर को चले, ऊपर को चले हैं, वाई एक्स वाली वैल्यू है, इधर को तो अभी आप चले ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्स की वैल्यू अभी तक नहीं है, एक्स एक्स की वैल्यू अभी तक है ही नहीं, तो टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है। लो जी वेलोसिटी इतनी है, 10 20 50 जितनी भी है वेलोसिटी इतनी है, और वेलोसिटी जब टाइम शुरू हुआ, इनिशियल टाइम पे जब आपने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब आपने उसे देखना शुरू किया, तो वेलोसिटी की कोई वैल्यू है, वेलोसिटी की कोई वैल्यू है। तो जब वेलोसिटी की कोई वैल्यू है, तो जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया टाइम जीरो पे, अभी एक्स एक्स वाली वैल्यू जीरो है, वेलोसिटी है, चलेगी। अब ग्राफ शुरू होता है, किधर को जा रहे हैं, लेनो लाइन तुरते जाए, मेरा मतलब चलते जाए। तो जनाब इधर को चलते जाए, लाइन किधर को जा रही है, ग्राफ किधर को जा रहा है, ग्राफ जा रहा है अब एक्स एक्स की सीमत में, तो एक्स एक्स वाली वैल्यू ज्यादा हो रही है। अब ग्राफ ऊपर को नहीं जा रहा, वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो रही, नीचे को नहीं जा रहा, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, वाई एक्स वाली वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जनाबी अली यहां पे लिख देते हैं कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। दीज ग्राफ्स प्रोवाइड इस इंफॉर्मेशन वेदर द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट आर वेरिएबल। इस ग्राफ में देखें जनाबी अली किधर को, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरू में एक्स एक्स वाली वैल्यू भी जीरो है और वाई एक्स वाली वैल्यू भी जीरो है। इसका मतलब ये है कि जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां पे चले गए, यहां तक पहुंच गए, तो क्या हुआ, यहां पे खड़े हो गए, छाती मार के देखे सज्जे खब्बे उत्तर थल्ले, क्या हुआ, थोड़ा सा एक्स एक्स की सीमत में फासला हुआ, थोड़ा सा वाई एक्स की सीमत में फासला हुआ, मतलब थोड़ी सी एक्स वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, थोड़ी सी वाई वाली वैल्यू ज्यादा हो गई। बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। थोड़ा और जुत्ती ला के चलना, तो थोड़ा सा और ऊपर को चले जाएं, लाइन पे चले जाएं, थोड़ा सा और आगे को हो गए, थोड़ा सा और ऊपर को हो गए, मतलब एक्स एक्स वाली वैल्यू टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, वाई एक्स वाली वैल्यू वेलोसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, उसमें इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो इसका मतलब है कि एक्सलरेशन है, क्या एक्सलरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये भी बाद में देखते हैं, पहले एक और काम देख लीजिए। देखिए जनाब ये ग्राफ जहां से शुरू हुआ सो हुआ, जहां पे जाके ग्राफ खत्म हो रहा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए एक्स एक्स पे, नॉर्मल ड्रा कीजिए एक्स एक्स पे। क्या करें जी, नॉर्मल ड्रा करते हैं एक्स एक्स पर। लो जी अब ये एक रेक्टेंगल बन गई है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा जी लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो जनाब लेंथ है इसकी टाइम, विड्थ है इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हो तेरा भला हो जाए। ये वी टी किसके बराबर होता है, एस तय करदा फासला। तो जनाब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है कौन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, जो डिस्टेंस कवर किया गया या जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है।
तो एक तो ये भी पॉइंट हो गया, लेकिन हम इस ग्राफ को देखते हैं, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी जनाब इसमें, तो इसका एरिया लेके देखें क्या इसका एरिया भी वैसे आता है कि नहीं। तो यहां पे तो हमने फतवा लगा दिया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, नॉर्मल ड्रा कीजिए। तो जनाब ये जो अब देखें तो इसका एरिया क्या होगा, ये है बेटा जी अब राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ना शुरू में वेलोसिटी थी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, टाइम भी जीरो था, ओके जी। तो थोड़ी देर के बाद बढ़ते बढ़ते टाइम हो गया टी, वेलोसिटी हो गई वी, तो वाई एक्स पे वैल्यू कितनी है वी, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्स एक्स पे वैल्यू कितनी है, यहां पे टाइम है टी, हो यहां पे एरिया था वी टी, यहां पे एरिया है 1/2 वी टी। तो ये तो एरिया और एरिया मैच नहीं कर रहे, तो यहां पे अगर ये एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर है तो क्या यहां पे भी ऐसा है कि नहीं है। तो जनाब देख लेते हैं, देखे जी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हमने ये लिख दिया, लेकिन एक और भी मजे की बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, ये सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, उस सिचुएशन में ये लागू होता है, अप्लाई होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अब यहां पे तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी वेरी हो रही है तो फिर एस लिखते हैं किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस वी एफ बटा दो मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां देखें इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, फाइनल वेलोसिटी थी वी बटा दो जरब टी, यानी कि 1/2 वी टी, वही आ गया। तो जनाब कंफर्म हो गया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। तो हर किस्म के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होगा या डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं चेंज हो रही, ये भी हमें पता चल गया। अब जनाब यानी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सलरेशन है, तो यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब यहां पे एक्सलरेशन है, ये तो अंदाजा हो गया कि एक्सलरेशन है। अगर एक्सलरेशन है तो वो कितना है, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप एक्सलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर स्लोप है तो एक्सलरेशन है, स्लोप ही एक्सलरेशन है, स्लोप है तो एक्सलरेशन है, स्लोप नहीं है तो एक्सलरेशन नहीं है। स्लोप का मतलब क्या है, पंजाबी में कह लें ढाल, ढलान सतह, क्या यहां पे ढलान है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन है जीरो, यहां पे स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यहां पे स्लोप है तो एक्सेलरेशन है, स्लोप यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्लोप वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक। तो अब वो स्लोप की मदद से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, और स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे जनाब अली, मैथमेटिकली स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कैसे मालूम करेंगे, इस लाइन पर दो पॉइंट चूज करेंगे, मैं पहले जनरल फार्मूला लिखता हूं, इधर फर्ज करेंगे एक्स एक्स है और इधर वाई एक्स है, तो वाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्स, वाई एक्स पे दो पॉइंट लेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। यहां पे देखें जी वाई एक्स पे वेलोसिटी है और एक्स एक्स पे टाइम है, दो पॉइंट चूज करें, मैं यहां पे फिलहाल दो पॉइंट एक यहां पे चूज करता हूं, एक यहां पे चूज करता हूं, जो पहले पॉइंट आ रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन, एक्स वन यानी टी वन, और वाई कोऑर्डिनेट है वाई वन यानी कि यहां पे वी वन, और जो दूसरा पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है टाइम, तो दूसरा पॉइंट है टी टू,
और ये इसका दूसरा जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई टू यानी के वी टू। तो ये अब वाई एक्स पे है, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई वाली जगह पे वेलोसिटी है, तो वी टू माइनस वी वन ओवर जहां पे एक्स एक्स पे क्या है, टी टू माइनस टी वन। होए होए होए, वी टू माइनस वी वन क्या है, डेल्टा वी, टी टू माइनस टी वन क्या है, डेल्टा टी। वो तेरा पला हो जाए, ये तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला ही नहीं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सलरेशन। आपने लाइन पे दो पॉइंट ले लेने हैं, अगर लाइन बिल्कुल सीधी है, देखे आपने पार्क में स्लाइड ली ना, किसी करना, वो स्लाइड जो आपने ली यहां से बैठ के शू नीचे, तो आप जब यहां से ऐसे आप आएंगे, बिल्कुल एक जैसा स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, अल्लाह भला करे आपका। तो जनाब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी। तो जनाब यहाँ पे तो स्लोप यूनिफॉर्म था, कॉन्स्टेंट था, इसमें एक टिप ले ली के अगर लाइन ऐसे हो, आप पहला पॉइंट रखें ओरिजिन पे, टी वन वी वन जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ आपको टी टू वी टू, सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू ले लीजिए, तो पूरी लाइन पे स्लोप, ये दो पॉइंट अगर लाइन बिल्कुल सीधी है तो दो पॉइंट जहां मर्जी ले लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब स्लोप एक जैसा है तो एक्सेलरेशन एक जैसा निकलेगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि स्लोप यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो बेटा जी अब एक और तरह के ग्राफ की तरफ चलते हैं जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करने वाला होगा। अच्छा चलिए ये लाइन, ये ग्राफ यहीं रहने देते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ नीचे बना लेते हैं। ए तीसरी तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए इसमें तो स्लोप वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो आप देखें कि इसमें यहां से लेकर यहां तक स्लोप इतने हिस्से में कम है, ढाल कम है, ढलान कम है, और यहां से यहां तक स्लोप ज्यादा हो गया, इसका मतलब है यहां से यहां तक इस हिस्से का एक्सेलरेशन कम है और इस हिस्से का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया। जब यहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है और स्लोप वेरिएबल है, तो अगर वो दो पॉइंट आप यहां पे लेंगे तो एक्सेलरेशन और निकलेगा, स्लोप और निकलेगा, यहां पे लेंगे तो और होगा, यहां पे लेंगे तो और होगा, यहां पे लेंगे तो कुछ और ही होगा। तो जनाब अली ये तो चेंज होता जा रहा है, अब इसको क्या करेंगे जनाब, इसमें हम चूंकि एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है तो किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन लेंगे, किसी एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, इस इंस्टेंट पर और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, इस लम्हे पर एक्सेलरेशन। लेकिन मुसीबत ये है कि एक्सेलरेशन के लिए, स्लोप के लिए तो हमें दो पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं जनाब के यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट ड्रा करने से क्या होगा, ये टेंजेंट इस लाइन को, सॉरी इस ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस टेंजेंट का स्लोप, ये पूरी लाइन का स्लोप, पूरी लाइन पर हर जगह का स्लोप, यहां इसका भी स्लोप, स्लोप इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पर स्लोप। इफ द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल देन ये टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, और स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज कटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जनाब अब अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मालूम करने का ये तरीका होगा कि आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो जनाब अली ये हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं जनाब आपके जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसकी किताब में पेज नंबर 54 पे साइड बार में दो ग्राफ बने हुए हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक्सप्लेन भी हो जाएंगे, और कुछ स्पेशल सिचुएशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने का भी हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ते हैं। तो जनाब ये मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, फिर उस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं कि इस ग्राफ में शायर क्या कह रहा है। तो आइए मेरे साथ, वो जैसे न्यूज़ वाले कहते हैं कि हमारे साथ रहिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में रहिएगा,
वो इसका मतलब ये है कि बस इतनी बैठे रहो जितने बैठे हैं। लो जनाबे अली, ये ग्राफ है, ये टाइम और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है। टाइम और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है। किस किस के दरमियान? टाइम और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है। तो जनाब ये है ए। देखिए अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे। तो चलिए देखते हैं जनाब अली, मेरे पास है ये एक डस्टर, दिस इज ए डस्टर। लो जी, मैं इसे फेंकता हूं ऊपर को, देखिएगा जरा, ए स्क्रीन की रेंज में देखिएगा क्या हुआ, ये ऊपर को गया और वापस आ गया। ये देखिए मैं ले जा रहा हूं, पहले ऊपर हो गया फिर वापस आ गया। तो जब ये ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाते हुए जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है, वेलोसिटी ऊपर को है, वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रही है, तो ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी में कमी आएगी। कमी आते 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 वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, ये रुकेगा, और रुकने के बाद ये नीचे को आएगा, नीचे को आते हुए वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट देखें, यहां से मैंने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहां से मैंने इसको फेंका ऊपर को, ये ऊपर गया। इस हाथ के लिहाज से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ज्यादा 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 ज्यादा, मैक्सिमम हाइट में पहुंच के ये रुकेगा। जब ये रुकेगा, अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो गया और उसके बाद नीचे को आना शुरू हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कम होते 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 फिर से ये उसी लेवल पर आ गया है। तो अब ग्राफ देखिए, इधर को जाएंगे टाइम ज्यादा, ग्राफ इधर को ही जा रहा है, कभी ऊपर को जा रहा है कभी नीचे को जा रहा है। पहले ग्राफ जा रहा है ऊपर को, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होते 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 थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना बंद हो गया, स्टेबल हो गया। ये वो वक्त है जब वो रुका हुआ है मैक्सिमम हाइट पे जाके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया, कम होते 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 जीरो हो गया, मतलब फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का है जिसको वर्टिकली थ्रो किया गया है ऊपर को, ग्रेविटी की वजह से वो मूव कर रहा है, तो वो पहले ऊपर को जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकता है, और रुकने के बाद फिर वापस आ जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन पर। तो जनाब अब एक और ग्राफ देखिए, ये भी इसके साथ ही बना हुआ है। ये देखिएगा जनाब, ये एक्स एक्स पे टाइम है, ये ओरिजिन हो गया, वाई एक्स पे यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है और नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव, यानी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी जनाब इधर को जाए तो वेलोसिटी हो जाती है जनाब यानी 1 2 3 4 5, और नीचे को -1 -2 -3 -4 -5। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी ने अपनी सिमत चेंज कर ली है। अब ये ग्राफ है जनाब ऐसे करके, ये देखें, आप देखें ये ग्राफ क्या आपको बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि शुरू में इनिशियली वेलोसिटी है काफी सारी ज्यादा, शुरू में वेलोसिटी काफी सारी ज्यादा है। अब शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है? कम कम कम, वेलोसिटी कम होते होते होती है जीरो, और जीरो होने के बाद 5 4 3 2 1 0, जीरो होने के बाद फिर -1, -1 मतलब जीरो से बढ़ के एक हो गई, लेकिन डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो गई। तो क्या हुआ कि वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में, पहले वेलोसिटी कम हो रही थी, कम होते होते जीरो हुई, जीरो होने के बाद बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो गई। वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, जीरो होती है, उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स होती है, पहले ऊपर जा रही थी अब नीचे आ रही है, और नीचे आते हुए वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से ज्यादा हो गई। तो उसी वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है। लो जी, ये ग्राफ अब हमने एक्सप्लेन कर लिए। तो जनाब आज आपकी खिदमत में पेश किए गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, काम करते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, महफूज रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।